have been anointed, आपका अभिषेक किया गया है। साउल का ढाल, साउल एक ढाल के समान गिर गया जिसका अभिषेक नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका अभिषेक हो गया है और यह अभिषेक आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। इसका मतलब आप कभी असफल नहीं होंगे। You have not received the failure spirit. आपके पास में जो आत्मा है वो एक सफलता की आत्मा है। आपके पास में जो आत्मा है एक चंगाई की आत्मा है। पता है वचन में लिखा है योगी जी कि वो हमारे लिए पाप बन गया। वो हमारे लिए पाप बन गया, पापी नहीं, पाप बन गया। क्यों? क्योंकि हमको अधार्मिकता से छुड़ाकर हमको धर्मी बनाए, और इसीलिए क्योंकि वो हमारे लिए पाप बन गया, आज वो हमारे लिए भरपूरी है, आज हमारे लिए वो चंगाई है, आज हमारे लिए वो छुटकारा है। सो यू हैव रिसीव्ड दैट इन योर स्पिरिट, यू आर नो लॉन्गर ऑर्फन, अब आप अनाथ नहीं है, अब आप कमजोर नहीं है। कौन आपको कमजोर बना रही है? आपकी सोच। आपका दुर्भाग्यपूर्ण मीटिंग में जाना क्योंकि आपको वो 500 रुपया देकर बुला लेते बस किराया देकर, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग। लर्न टू स्टैंड ऑन योर फीट, अपने पांव में खड़ा होना सीखे, परिपक्व हो जाए। चूज वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो। केवल इसीलिए कभी कभी हम पता है मीटिंग को कैसे नेग्लेक्ट करते हैं, जब लोग आकर हमको बताते हैं पास्टर रिकिता पा बहुत अच्छा खाना है आ जाइएगा, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उन पादरियों में से एक हूं जिनको आप बोल देंगे अरे बहुत अच्छा खाना है आप आइएगा। अरे यार खाना है, कई पादरी लोगों के पास में लिस्ट रहता है विश्वासियों के में, सोमवार लंच इनके यहाँ, डिनर किन के यहाँ करेंगे, वो रमेश या सुरेश, अरे सुरेश के, अच्छा ठीक है, सोम मंगल बुध हो गया, अरे सुनो जी ये शुक्रवार का लिस्ट रह गया क्या करें, अरे उस दिन कुछ खरीद के लाना पड़ेगा, अरे वो शर्मा जी के यहाँ गए क्या, अरे हाँ चुक गया, ऐसा करते वो शर्मा जी का नाम उधर रख देते अपना सप्ताह भर का कोटा पूरा, घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सूट से कुछ नजर आता है, कोई झांकता रहता है, मतलब ऐसा है कि वो भाई कॉफी पी रहे हैं यहां पे रख सकते हैं, कॉफी पी रहे हैं यहां पे रख सकते हैं। उफ, लर्न टू स्टैंड ऑन योर फीट, कहें एक दूसरे को देखकर अपने पांव में खड़ा रहना सीखो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे साथ में है। एक बार फिर से ना, तो आपको अभी अभिषेक किया गया है, या आपको अभी अभिषेक किया गया है, आप कभी असफल नहीं है, आप कभी असफल नहीं है, आप कभी असफल नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आप कभी असफल नहीं है। देखो परमेश्वर आप जैसे हैं वैसे ही काम करेगा। देयर इज, दिस इज टोटली अनदर थिंग टू डेवलप योर कैरेक्टर, बहुत जरूरी है अपना कैरेक्टर को डेवलप करना। आज मैं कैरेक्टर के बारे में इतना बात नहीं कर रहा हूं, बट द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी फोकस ऑन इज कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैरेक्टर परमेश्वर के सामर्थ को नहीं रोक सकता है। आप भले ही चोर क्यों नहीं हो, परमेश्वर का सामर्थ आपके थ्रू फ्लो करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, क्या परमेश्वर यह चाहता है कि आप उसी कैरेक्टर में उसके सामर्थ को लेकर जाए? बिल्कुल भी नहीं। एक बार परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा मैं चाहता हूं कि तुम जाकर, इन लोग तुम्हारे लोग पानी मांग रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और चट्टान से कहो पानी देने के लिए। मूसा नीचे गया तो देख रहा है यहां पे तो दूसरा ही जमा हो रहा है, लोग उसको मारने आ रहे, तो वो गुस्सा हो गया, बेचारा इंसान ही तो था, उसने डंडा उठाया और चट्टान पर देम मारी और वचन कहता है कि वहां से पानी निकलने लगा।
दोनों बातों में पानी निकलने लगा। परमेश्वर ने कहा था उसको बोलो, लेकिन इसने मारा, बोलोगे तो पानी मिलेगा, मारा तो पानी मिला, दोनों क्षेत्र में। लेकिन मारने के कारण वो कभी भी कनान देश नहीं पहुंचा। तो याद रखें, आप चीन चमत्कार का काम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि परमेश्वर की इच्छा है। चीन चमत्कार का होना इतना भारी बात नहीं है, ये एम्पावरमेंट मीटिंग है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, यू विल डू ग्रेटर थिंग देन मी, ग्रेटर थिंग देन जीसस क्राइस्ट, एंड दैट हैज आई मीन देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन समस्या ये है कि आपको अपना चरित्र सुधारना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने चरित्र पर काम करना पड़ेगा, आपको चरित्र अच्छा बनाना पड़ेगा। और इसीलिए आपको जरूरी है एक छतरी, आत्मिक छाता की, जिसके अंतर्गत आप आए, जिससे आप एसोसिएट हो जाए, ताकि लोहा लोहे को रगड़ता रहे उसकी धार को बनाने के लिए। इसीलिए जरूरी है ताकि आपका चरित्र का निर्माण हो। हालेलुया। तो चरित्र समस्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, चरित्र आपको बाद में बनानी पड़ेगी। हो सकता है आज आप कमजोर हो सकता है आपकी कोई गंदी लत हो, कोई कमजोरी हो, लेकिन इवन राइट नाउ यू डोंट हैव टू यू नो बी इन बैगर मेंटेलिटी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं, यू कैन डू मच हायर थिंग, जो आप सोचते हैं उससे बरकर कर सकते हैं। आपको आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का सबसे मुख्य कारण है, यूहन्ना बताता है, वो है आपकी चेतना, वो आपकी चेतना है। यूहन्ना कहता है कि अगर हमको ये पता हो कि हम जो मांगते हैं वो हमारी सुनता है, और सुनता है तो वो देता है, तो हमको मिलेगा। लेकिन अगर हमको ये नहीं पता हो कि हम मांगेंगे और मिलेगा, तो हमें नहीं मिलेगा। और उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि आपकी चेतना आपको दोष लगाती है। लेकिन मैं आज आपकी चेतना को दो भाग में काटकर फेंक दूंगा, ताकि आपको आपकी चेतना कभी दोष न लगाए। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 3, बोलो हा 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 हा, एक बार फिर से, एक बार फिर से, ओके, एक बार फिर से, ओके। 19वां पद देखो क्या लिखा हुआ है, 19वां, पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका 19। नाउ यू नीड टू रीड केयरफुली, राइट। देखो क्या लिखा है, इसी से हम जानेंगे, बोलो इसी से हम जानेंगे, हाँ, कि हम सत्य के हैं। कैसे जानेंगे? इसी से जानेंगे, मतलब जो आगे बोला जा रहा है उससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। और सत्य के हैं मतलब यीशु मसीह के हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि हम यीशु मसीह के हैं? तो आगे लिखा हुआ है, कैसे जानेंगे हम सत्य के हैं, कैसे जानेंगे हम यीशु मसीह के हैं? जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसी के विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढारस दे सकेंगे। हम इसी से जानेंगे कि हम यीशु मसीह के हैं, कि जब भी आपका मन दोषी दे, सुरेश तू पापी है, तब तब हम परमेश्वर के आगे ढारस दे सकेंगे, आप मेरे मन शांत हो जाओ, मैं पापी नहीं हूं। लेकिन क्या ढारस दे सकेंगे, आपको यह समझना है। देखो लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के, सत्य कौन है? यीशु मसीह से, मतलब हम इसी से जानेंगे कि हम यीशु मसीह के। कैसे जानेंगे? जिस बात में हमारा मन हमें दोषी ना दे, जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढांढस बना सकेंगे। इसका मतलब आपका मन आपको दोषी देगा, लेकिन आप इसी से जानेंगे कि आप सत्य के। इसका मतलब इस वचन के अनुसार बहुत सारे लोग जो आज कलीसिया में बैठे हुए हैं, वो यीशु मसीह के नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन उन लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने ढांढस ही नहीं देता है। आपका मन आपको बताता है तू पापी है, आज
क्या आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है? बिल्कुल ठहराएगा, हम बहुत प्रकार के काम करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप अपने मन को ढांढस बना सकते हैं? नहीं। यीशु मेरी धार्मिकता है। एक्चुअली वो बच्ची इसीलिए रो रही है कि वो मेरा चेहरा भी देखती है तो रोने लगती है वो। तो उसको आज मैं गोदी उठा के मैं आई लव यू भी बोलता हूं तो वो रोने लगती है। तो जिस विषय में हमारा मन हमें दोषी ठहराएगा, उस विषय में हम अपने मन को उसके सामने ढांढस दे सकेंगे। लेकिन कैसे ढांढस देंगे? देखो क्या लिखा हुआ है। तैयार है? आजाद होने के लिए तैयार है? ओके, नाउ लिसन दिस। अध्याय दो एक निकालो। दिस इज वेरी वंडरफुल। लिसन दिस। देखो। हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। ठीक है, इसका मतलब ये लेटर इसीलिए कि तुम पाप ना करो। अगर मैं बोलता हूं कि मैं तुमको इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम ये गलत काम मत करो या उस लड़की के साथ में घूमने नहीं जाओ, तो इसका मतलब आगे कोई ऑप्शन है? नहीं है, खत्म। लेकिन देखो यूहन्ना क्या कर रहा है। या बाला शिखा रबा, सिखो क्या खा डम्बो शिखा रहा है। क्या 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 बोल रहा है? देखो, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। उफ, आगे क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं? 1 2 3 गो। ज्यादा लोगों को शौक हो गया। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। अगर पाप करो तो जाके घुटने टेक कर माफी मांगो और अपने ऊपर शुद्ध जल छिड़को। लिखा हुआ है यहां? बोलता है मैं लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि पाप करो तो जाकर माफी मांगो। लिखा है कि यदि तुम पाप करो तो जानो भी नहीं। लिखा है यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है जो हमारे पापों का प्रायश्चित है। तो आपको जब यूहन्ना कहता है अध्याय 3 के 19 में कि इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य की आत्मा है, कि जिस बात में हमारा मन हमें दोषी ठहराता है उस बात में हम उसके सामने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, तो इस बात से हम ढांढस दे सकेंगे। जब भी प्रार्थना में आप जाते हैं, आपका मन आपको दोषी ठहराता है, आप बोल सकते हैं यीशु मसीह मेरा प्रायश्चित है, मैं उसके लहू के द्वारा शुद्ध हूं। I'm not telling you to, you know, keep committing your sin, be in sin. No. क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो अगर आप प्यार करेंगे तो पाप नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप शरीर में रहते हुए कभी पाप भी करें, अगर आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है, तो याद रखे आपकी धार्मिकता यीशु मसीह है। और तब भी अगर आपका मन आपको दोषी ठहराए, I'll give you another scripture. 21. मैं चाहता हूं 20 पढ़े पहले। नहीं, रुक जाओ, यहां पे पढ़ो 3:20। देखो क्या लिखा हुआ, हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। जब भी आपका मन आपको दोषी ठहराए तो आपको देखना है परमेश्वर आपके मन से बड़ा है। जब भी आपका मन आपको दोषी ठहराए ना, 21 पढ़े आप। हे प्रियो, यदि हमारा मन, देखो आपका प्रार्थना का उत्तर आपको क्यों नहीं मिलता है, दैट इज द रीजन। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। देखो, जाओ आगे जाओ ना,
और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसी की आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता वही करते हैं। फिर एक से पढ़ो लेट्स रीड दिस ना, हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। आगे, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। आपका मन अगर आपको दोषी नहीं देगा तो आप जो कुछ मांगेंगे आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो प्राप्त नहीं हो रहा है वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका मन आपको दोषी ठहराता है। आप कलीसिया के सामने खड़ा होते हैं भविष्यवाणी करने के लिए, आपका मन आपको दोषी ठहरा देता है, छोड़ो यार क्या बोलूंगा। लेकिन परमेश्वर के आगे आप जब जाएंगे और आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है, आप अपने मन को ढांढस दे सकेंगे। आप बोल सकेंगे मेरा प्राश्चित प्रभु यीशु मसीह है। और अगर आपको यह ढांढस देना आ गया, योना यही बात समझा रहा था कि कैसे आप चिन्ह और चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, वो ऐसे। और मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि यार यहां पे लिखा है लेकिन हमारे जीवन से इनका क्या संबंध है। बहुत बड़ा संबंध है। व्हेन यू ओबे गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन को बदलेगा। मेरे जीवन को बदलने वाला, मेरे पत्नी के जीवन को बदलने वाला परमेश्वर का वचन ही है। हम यहां पर कोई कुछ नहीं थे। वी केम हियर लाइक अ पुअर मैन। हम आज भी हम जानबूझ के कई चीज नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं। वन रीजन, हम लोगों ने केवल फोकस किया परमेश्वर के राज्य के प्रति। आज भी हम भूखा रहने के लिए तैयार हैं, आज भी हम परमेश्वर के लिए बड़े काम करने के लिए तैयार हैं, दुख सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस मेंटेलिटी में नहीं, भिखारी के मेंटेलिटी में नहीं, बैगर मेंटेलिटी में नहीं, वी आर मोर देन कॉन्करर। हम विजय से बढ़कर हैं, ठीक है। आप बोलेंगे अब मैं तो गांव में सेवा करता हूं, मेरे यहां गरीब लोग आते हैं। आपको मैं बता देता हूं, कुछ लोग मुझे भिखारियों के पादरी के नाम से जानते थे यहां पर, क्योंकि मैं भिखारी लोगों के बीच में सेवा करता था, भिखारी लोगों के बीच में सेवा करता था। आज मेरे कलीसिया में ऐसे भी विश्वासी हैं जिनके कंपनी का टर्नओवर, जो वो खुद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका टर्नओवर 725 करोड़ रुपए है। हाउ वी हैव रीच्ड हियर। हम लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन वी नो वन थिंग, जो भी इस सेवा में आएगा वो गरीब तो नहीं रह सकता है। नहीं, कभी नहीं। अगर वो गरीब रहना चाहता है हम उसका ऑपरेशन कर देंगे। दे विल नेवर एवर सेटल डाउन हियर। इसीलिए कई बार जब लोग ऐसे लोग आते हैं ना, पास्टर जी कितना पैसा देंगे, और वो दो दिन आते हैं उनको समझ में आ जाता है। एक बार मेरी मुलाकात किसी से हुई, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्या क्या चाहते हैं अगर आप हमारे अंडर में आएंगे, तो बोले कि जब अंडर में आते हैं तो सभी कुछ हो जाता है, पैसा भी हो जाता है। तो मैंने उनको कहा, पहली बात है, ये हमारा जांचने का तरीका है, पहली बात है हम आपको पैसे नहीं देंगे, दूसरी बात है आपको रेगुलर चर्च आना पड़ेगा, तीसरी बात है हम दो साल तक देखेंगे। तो बोले हाँ मैं आऊँगा, और वो आज तक आ रहे हैं। वो नहीं आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि आज हम लोगों ने पैसे देकर बिगाड़ दिया है। बस का किराया दे दिया, मीटिंग में बुला दिए तो सारे मीटिंग में घूम रहे हैं। कैंपस क्रूसेड का मीटिंग हो, सीएनआई का मीटिंग हो, एजी का मीटिंग हो, पास्टर थापा का मीटिंग हो, रमेश का मीटिंग हो, और पता नहीं है, मतलब पीटीआई, सीटीआई, टीएनआई, एमएनआई, सब के मीटिंग में घूम रहे हैं। नॉट सेटल, क्यों? क्योंकि पैसा दे रहे। अरे हाँ चलो, वहां पर एक झोला देंगे, एक बैग देंगे, 500 रुपया भी देंगे, वो 500 रुपया वाला एसी बस में देंगे ना, हाँ वो वॉल्वो वाला, वो जो बड़ा है ऐसे पुश करने के बाद ऐसे हो जाते, वो वाला बस, हाँ वो वाला बस में। और वो क्या, एक दिन वो दिल्ली होटल में रुक सकते हैं क्या? हाँ उसका भी पैसा दे देंगे।
ऐसा काम करते हैं, हम यहां से जाएंगे बस में, एसी वाले बस में, वहां से लोकल बस में बैठ कर आएंगे और दोनों का किराया ले लेंगे। हाँ, चलो ऐसा कर लेंगे। और इसीलिए हमारा जीवन, उन पादरी लोगों का जीवन नर्क से बदतर है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले ऐसे गंदे काम छोड़ दें। डेवलप हायर क्वालिटी मेंटेलिटी, अपने अंदर सिद्धता को बढ़ावा दें, सिद्ध बने। अरे आप कोई है, थोड़ा सा कपड़े तो सही ढंग से पहनो भाई। नहीं है, साफ कपड़े पहनो। याद रखना, आप भिखारी नहीं है। कहें मैं पादरी हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, भिखारी नहीं हूं। ये हमेशा याद रखना। मैं आपको बता देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत 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 अमीर लोग हमें बुलाते हैं, क्रिश्चियन रिच पीपल टू प्रे। कई बार हम कैंसिल कर देते, क्यों? क्योंकि हम उनके हाथ के कठपुतली नहीं है। हमारा पैसा ऊपर से आता है। हम डांस नहीं करते हैं। वो आगे आगे बैठते हैं, 50,000 रुपया हर एक महीना टाइट देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसे टाइट उनके सिर पर पड़े और वो टाइट और वो दोनों कब्र में जाए। वी बिलीव इन गॉड, वी रिस्पेक्ट पीपल, हम लोगों का आदर करते हैं, लेकिन हम किसी के पैसे से नाचते नहीं हैं। एक बार एक व्यक्ति, किसी को मैंने चर्च से निकाल दिया था, और ये व्यक्ति जो है उसका दोस्त था, उसको पता चला इसको चर्च से निकाल दिया। तो योगी जी भी थे, योगी जी उसी समय आए थे, बैठ गए, और ये व्यक्ति आया, बैठने से भी पहले उसने मुझे इतना गड्ढी दिया पैसे का, और बोला ये रखिए पादरी साहब आपके लिए। और मेरा आदत है, भेंट हमेशा ग्रहण करता हूँ, मैंने रख लिया। और उसके बाद, देने के बाद, वो गड्ढी निकालने के बाद मुझसे कहते हैं, अब मुझे आपसे एक बात करनी है, समझ रहे हैं? अब मुझे आपसे एक क्योंकि उनको लगता है कि खरीद लेंगे। और वो मुझे क्या बोलते हैं कि मैं 5-6 चर्चों में चला जा चुका हूँ, वहीं से उनकी शुरुआत होती है। और उनके वो उसके बाद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इस आदमी को बुला लें। आपको क्या लगता है मैंने क्या किया? नहीं, पैसे वापस नहीं दूंगा मैं। मैंने उस आदमी को कह दिया, अभी सीखने आए हो आप, सीखते रहो। हमें ना सिखाएं कि हमको अपना डिसीजन कैसे लेना चाहिए। क्यों? मैं आपको बता देता हूं, इट डज नॉट मैटर। एक मनुष्य होने के नाते उसका बहुत वैल्यू है, लेकिन ऐसे पैसे, पास्टर थापा का एक दिन का इच्छा भी पूरा नहीं कर सकते, समझ रहे हो? अगर आप मुझे बोलेंगे पास्टर जी आपकी इच्छा क्या है, तो आपको 2-3 बोरी पैक करके आना पड़ेगा। डोंट आस्क मी ना, आपका क्या इच्छा है। हालेलुया, मैं 100 रुपया वाला पादरी नहीं हूं। हाँ, 100 रुपया तो गलती से भी मुझे मत देना। एंड आई से दिस थिंग प्राउडली। और अपने विश्वासी को सिखाना है आपको, मत दो बस मैं 100 रुपया वाला पादरी नहीं हूं, हाथ मिलाया, ये क्रिश्चियन हाथ मिलाना। उसके बाद पता है ना क्या करते हैं, नया करक होता है। पाजी साहब खुश होके जाते हैं बाथरूम में देखने के लिए क्या है। कभी कभी पता चलता है 10 के 2 नोट। आपके भावनाओं के साथ में खेला जाता है। यू आर नॉट लाइक दैट। आप उससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। आप उसे कहीं ज़्यादा के हकदार हैं। कई मसीह लोग हमको बुलाते हैं, आप पादरी साहब आते नहीं घर में विजिटिंग करने के लिए। हाँ, वी आर नॉट द विजिटर पास्टर। हमारे पास बहुत काम है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना टाइम आप घूमने में लगाते हैं ना, साइकिल में लोगों के पास में जाने के लिए, यू प्रीच गॉस्पल टू अदर पीपल। दूसरे के पास जाए, सुसमाचार प्रचार करें। ये शाम को जो जाकर आप 100-100 रुपये इकट्ठा करते ना, बंद कर दें और वचन में टाइम बिताएं। यू विल सी योर ग्रोथ वेरी सून। बहुत जल्दी आप देखेंगे। कहे मैं पादरी हूं, कहे मैं पासवान हूं, कहे मैं